वेलकम बैक टू नीतूज वेजी किचन। आज नीतूज वेजी किचन में लौकी की बहुत ही डिफरेंट रेसिपी बनने वाली है। ये रेसिपी देखिए बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। ये कुछ ऐसी सब्जी तैयार होगी वो भी लौकी की, यकीन नहीं आता ना। तो आइए झटपट इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की लौकी ली है। लौकी को मैं नेल से प्रिक कर रही हूँ तो इजिली हो रही है। बहुत ही सॉफ्ट लौकी है, मीडियम साइज की है, बिल्कुल भी कड़क नहीं है। इसे मैं वॉश करके कट करके इसे हम ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये देखिए पीसेस ऐसे कट कर लिए हैं और अब मैं ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट करूंगी। ये देखिए मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। मैंने इसके छिलके को हटाया नहीं है तो इजिली ग्रेट हो जाएगी। जो छिलका है इसका हम हटा देंगे ग्रेट करने के बाद। ये देखिए ये वाला पार्ट हम हटा देंगे। यहाँ पर मैंने लौकी को अच्छे से घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद मैं एक दो बारीक कटी हुई प्याज इसमें डालूंगी, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं डालूंगी एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन, अजवाइन जरूर डालें इसमें, 1/4 ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप इसको डालो, चाहो हरी मिर्च भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 5 बड़े चम्मच बेसन के लिए हैं। 5 बड़े चम्मच एक मीडियम साइज़ की लौकी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, इसे आप अच्छे से मिक्स करें क्योंकि लौकी में ऑलरेडी इतना पानी होता है। ये देखिए मिक्सचर रेडी हो गया। इसे कवर करके 5 मिनट के लिए अलग रख देंगे। और जब ये 5 मिनट के लिए अलग रखने के बाद ये देखिए हो गए हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून के लगभग नमक डाल रही हूँ। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा 1/4 हल्दी पाउडर। इसमें मैं 1/4 हल्दी पाउडर डालूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सब सारे जो मिक्सचर इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे से आपस में मिल जाएं, नमक भी अच्छे से मिल जाए। यहाँ पर मैं एक प्लेट लूंगी। आप कोई भी बेकिंग डिश ले सकते हैं या आपका स्टीमर हो तो उसकी प्लेट आप ले सकते हैं। इस प्लेट को मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूंगी। ऑयल से मैं अच्छे से ग्रीस करना है चारों तरफ से ताकि हम जो अपना हमने मिक्सचर रेडी किया है ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने यहाँ मिक्सचर रेडी किया है ये मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे ताकि एक अच्छे से शेप में आ जाए। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से फैला दिया है यहाँ पर और ये देखिए रेडी हो गया है ये। अब मैं यहाँ पर इसके बाद ये मैंने गैस पर एक पतीला लिया है, इसमें थोड़ा पानी रख दिया है और मेरे पास यहाँ पर एक छलनी है। ये देखिए ऐसी जो सीव होती है छलनी, ये है। इसके ऊपर मैं पतीले के ऊपर इस छलनी को रख दूंगी और इस प्लेट को रख करके फिर हम एक लिड से कवर कर देंगे 5 to 10 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से इसमें स्टीम आ जाएगी। ये देखिए मैंने गैस पे रख दिया है। इसके बाद हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, यहाँ मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अभी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम सबको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे अच्छे से। टमाटर प्याज इन सबको अलग अलग पीसेंगे, सिर्फ लहसुन मिर्च और ये अदरक जो है हम इन तीनों को एक साथ पीसेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमने ये स्टीम के लिए रखा था लौकी को, ये अच्छे से पक गई है। अब इसको चेक करेंगे ये कैसे रेडी हुई है। नाइफ़ को हम जो ये देखिए मैंने इसके अंदर ये बिल्कुल भी नाइफ हमारी चिपकी नहीं है, बिल्कुल क्लीन होके निकली है। तो इसका मतलब ये हमारा जो मिक्सचर है ये रेडी हो गया है। अब मैं इसे लिड से कवर कर दूंगी और गैस ऑफ कर दूंगी। इसे एज इट इज़ पोजिशन में छोड़ देंगे। यहाँ हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून में सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप प्रेफर करते हैं यूज़ कर सकते हैं। जब ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 हींग, पिसी हुई हींग डाल रही हूँ। इसके बाद 2 तेज पत्ते डालेंगे हम। इसके बाद मैं 1 टेबल स्पून जीरा डाल रही हूँ और जीरा अच्छे से पक जाए, क्रैकर हो जाए, इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद जो हमने प्याज ये पीस करके रखी थी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको हम अच्छे से प्याज को भुनेंगे जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। प्याज को हम पहले 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज 2 मिनट हो जाएगा तो जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का ये पेस्ट रखा था मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसके बाद इसको भी मिक्स करके हम अच्छे से 5 मिनट तक प्याज को मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे, जब तक प्याज का कच्चापन अच्छे से निकल ना जाए। और धीरे धीरे इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारी जल्दी अच्छे से भुन जाए, बिल्कुल भी जले नहीं और कच्चापन सारा निकल जाए। अदरवाइज मसाले का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है अगर प्याज में कच्चापन हो तो। इसके बाद 1/4 हल्दी पाउडर डालूंगी। हल्दी पाउडर डाल के भी हमें अच्छे से भुनना चाहिए मसाले को, वरना हल्दी का कच्चापन ग्रेवी के टेस्ट को ख़राब कर देता है। 2 टेबल स्पून या धनिया पाउडर डालूंगी। 1 टेबल स्पून देगी मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप और दूसरी मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। देगी मिर्च कम तीखी होती है और इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है, तो मैं देगी मिर्च का पाउडर ही डाल रही हूँ।
इन सारे मसालों को डाल के हम 5 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। देखिए ये मसाले डालने के बाद अच्छे से हमारे मसाले भुन गए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ जो टोमेटो प्यूरी रेडी की थी टमाटर को पीस करके ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसके साथ ही जाएगा नमक, नमक 1 टेबल स्पून है, आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से भुनेंगे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक, ताकि टमाटर का कच्चापन भी अच्छे से निकल जाए और ऑयल रिलीज हो जाए। ये देखिए मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, हमें अच्छे से ही भुनना है मिक्स करते हुए, ताकि हम मसालों को छोड़े ना। ये देखिए यहाँ हमारी लौकी की जो हमने किया था उसको मैं किनारे किनारे से यहाँ पर इसको स्क्रैप कर दूंगी हल्का हल्का सिर्फ नाइफ से, और इसको हम बर्फी की शेप में कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, ये बहुत ही इजीली निकल जाती है। ये देखिए ये बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, आप चाहो तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हो, पर बिना फ्राई किए भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगी। लोग यकीन नहीं मानेंगे कि आपने लौकी से ही बनाया है। यहाँ पर ये देखिए हमारा मसाला जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसके बाद मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें फ्रेश दही डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने दही डाल दिया है। इसके बाद मेरे पास 1 बड़े चम्मच किचन किंग मसाला था, मैंने वो इसमें डाल दिया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगी। किचन किंग मसाला ये मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से भुनेंगे 5 मिनट तक, और जब ये अच्छे से रेडी हो जाएगा, जब अच्छे से ऑयल जब तक रिलीज ना करे तब तक इसे हमें चलाना है। ये देखिए भुनने के बाद मसालों ने ऑयल रिलीज कर दिया है, कितना अच्छा कलर आया है ये आप देख रहे हैं, यानी मसाले हमारे भुन करके रेडी हो गए हैं। ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि इसकी ग्रेवी हमें पतली रखनी है, जो बिल्कुल थिक ग्रेवी की नहीं बनाएंगे। ये मैंने 1 से 2 ग्लास के लगभग पानी डाल दिया है, आपकी क्वांटिटी के ऊपर है कि आप कितना ग्रेवी तैयार कर रहे हो। मैंने 2 ग्लास के लगभग पानी डाल दिया है। ये देखिए मिक्स करके ग्रेवी हमारी बिल्कुल पतली तैयार हुई है, क्योंकि हम पतली ही रखेंगे, क्योंकि जो हमने ये पीसेस रेडी किए हैं लौकी के ये भी थोड़ा पानी ऑब्जर्व करेंगे और ग्रेवी हमारी थोड़ी थिक हो जाएगी, तो इसलिए हमको पतली ग्रेवी का रखना है ताकि वो पीसेस इसके अच्छे से पानी को ऑब्जर्व करें और टेस्ट उसमें आ जाए। जब एक बॉयल आ जाएगा 5 मिनट बाद, तब मैं इसमें जो लौकी वाले पीसेस हैं ऐड करूंगी। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है। इसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, कसूरी मेथी भी फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करती है, तो मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके ही डालें। ये देखिए इसके बाद मैं इस बड़ियों को ऐड कर दूंगी जो पीसेस हमने रेडी किए हैं, और इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब 5 मिनट हो जाएंगे ये देखिए हमारी सब्जी रेडी हो गई है, और अब मैं इसको आइए सर्व करती हूँ यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है, लग नहीं रहा है ना कि लौकी की सब्जी है, लोग यकीन नहीं मानेंगे। मैंने इसे काजू से गार्निश कर दिया है, आप किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। इसके बाद मैं इसको प्लेट में सर्व करूँगी। ये देखिए बहुत ही लजीज सब्जी बनके तैयार हुई है, खाने का मन कर रहा है ना। यहाँ मैंने इसको धनिया से भी गार्निश कर दिया है, थोड़े से ये ऑनियन के रिंग्स लगा दिए हैं, मिर्च लगा दिए हैं, ये डेकोरेशन के लिए है ताकि इसको देखते ही लोगों का खाने का मन करे। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। ये देखिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुई, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। थैंक यू सो मच।